दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके पास ब्लॉग। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी हुआ है कैलाश टेंपल की, जो कि आगरा में है। तो दोस्तों आज है ना हम कैलाश मंदिर में है ना दर्शन करने जाएंगे, जो शिव जी के जो है ना दो शिवलिंग है दोस्तों। और पूरे इंडिया में है ना ये एक ही मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर है ना दो शिवलिंग पाए जाते हैं दोस्तों। इसकी एक कथा प्रचलित है, क्योंकि है ना क्या है कि जब है ना जो भगवान परशुराम थे वो कैलाश पर तपस्या करने गए थे, तो वहाँ पर उन्हें उनके पिताजी भी उनके साथ तपस्या करने गए थे। तो दोनों ने है ना मतलब शिव जी को कहा था कि वो उनके साथ चले, तो शिव जी ने है ना प्रसन्न होकर उन्हें है ना दोनों को ना एक एक शिवलिंग दिया था। और जब वो वापस आए थे तो इसी जगह पर है ना वो विश्राम करने लगे थे, और उन्होंने उस शिवलिंग की है ना यहीं पर स्थापना कर दी थी। तो जब से है ना ये मंदिर परशुराम जी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये है ना लगभग 10,000 साल पुराना शिवलिंग है यहाँ पर, जो भगवान भोलेनाथ जी का है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए कितनी भीड़ है और चारों तरफ सैलाबी उमड़ा हुआ है लगभग। चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर। मेरे पीछे दोस्तों यह कैलाश टेंपल के लिए जाने वाला रास्ता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मंदिर जो है पूरा लगभग 10,000 साल पुराना, मतलब यहाँ पर जो शिवलिंग है दोस्तों वो लगभग 10,000 साल पुराने शिवलिंग है। जो कि जुड़वा शिवलिंग है। दोस्तों यहाँ पर जो है ना भक्त है ना स्नान कर अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये जमुना माता या जमुना नदी। चलिए चलते हैं दोस्तों और मंदिर में। यहाँ पर है ना आपको ना जो जुड़वा शिवलिंग है उनके दर्शन कराते हैं। और दोस्तों हम है ना मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं अंदर। ये आप जो द्वार दे रहे हैं उस पर लिखा भी हुआ है श्री कैलाश मंदिर विकास ट्रस्ट और आपका स्वागत करती है। मतलब ये प्रवेश द्वार है कैलाश मंदिर का। दोस्तों ये है कैलाश मंदिर का परिसर। दोस्तों हम कैलाश मंदिर में अंदर एंटर कर चुके हैं और अंदर चल रहे हैं। किधर किधर
दोस्तों हम लगभग है ना, हमारा छोटा भाई 6 बजे आया था, काफी भीड़ थी ये ना। तो ये कैलाश मंदिर के अंदर का से कैलाश मंदिर के अंदर का गोवा शिवलिंग है दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं, बड़े शानदार दर्शन गुड़वा शिवलिंग गुड़वा शिवलिंग जो कि भोलेनाथ बाबा के जो कि यहाँ भगवान परशुराम जी ने उन्हें स्थापित किया था, लेकिन आप है ना साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और ये कैलाश मंदिर का कैलाश टेम्पल था यहाँ पर, जोड़वा शिवलिंग हमने आपको दिखाए। और दोस्तों ये है जमुना माता, जिन जमुना जी के हम दर्शन कराते हैं पूरे फ्लो में है, देखिए और दोस्तों आप चल रहे हैं हम वैष्णो देवी टेंपल में, जो माता वैष्णो देवी की गुफा है। एक बार अंदर हो गया तो दोस्तों गुफा में चलते हैं। ये वैष्णो देवी गुफा है जो कि कैलाश मंदिर के पास में ही है, जैसे आप देख रहे हैं मुझे अभी थोड़ा हाइट कम है रास्ते की और तकड़ा है। Thank you.
दोस्तों मंदिर के सामने ले जाते हैं ना, कैमरा ना बंद करवा देता तो हम है ना आपको ना मूर्ति के दर्शन नहीं करवा पाए थे, लेकिन आप इस चीज का एंजॉय लीजिए कि गुफाएं भरी हुई है और यहाँ पर कुछ मंदिर भैरव बाबा और भोलेनाथ जी का मंदिर। अब हम थोड़ा मंदिर परिसर में जाते हैं, जो वैष्णो देवी मंदिर परिसर है वो गुफा में हमने आपको दर्शन कराए थे दोस्तों, और यहाँ पर भी है ना कुछ है ना देखने लायक चीज है, मतलब माता जी के दर्शन यहाँ पर भी होंगे। माता काली दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जो कि कैलाश मंदिर की थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।